प्रेस लोर, मेरा नाम पास्टर हनुक दीकुंडा है। मैं चंद्रपुर महाराष्ट्र से हूँ। मैं स्कूल ऑफ टेरेनस का स्टूडेंट हूँ। जो स्कूल ऑफ टेरेनस का फाउंडर अपोस्टल अरविंद इब्राहिम जी है, उनका नेतृत्व में चलता है। अपोस्टल अरविंद इब्राहिम जी मेरे आत्मिक पिता है। मैं उनके संगति के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, उनके टीचिंग के द्वारा और उनके मेंटरिंग के द्वारा मैं बहुत आशीषित हुआ हूँ। इन दिनों में स्कूल ऑफ टेरेनस में घोषणा प्रार्थनों का टीचिंग चल रहा है, जिसमें बहुत अद्भुत रीति से, प्रैक्टिकल रीति से घोषणा प्रार्थना का टीचिंग चल रहा है। और वो टीचिंग के द्वारा, वो घोषणा प्रार्थना के द्वारा मैं बहुत आशीषित हुआ हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत सारे कार्य किया, उसमें से मैं दो बातों को एक गवाही के रूप में आपके सामने बांटना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि मेरे जीवन में शादी से पहले मुझे शुगर और बीपी था। अभी ये 3 महीनों से ये टीचिंग चल रहा है और ये टीचिंग में हम कैसे आशीषित हो सकते, आगे बढ़ सकते, सफल हो सकते, बीमारी से हम कैसे छुटकारा हो सकते हैं, जो हमारा रुका हुआ जीवन कैसे आगे बढ़ सकता है, गरीबी से, शापों से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, उसके विषय में टीचिंग भी चल रहा है और घोषणा प्रार्थनाएं भी चल रहा है। जब ये मैं सीख रहा था, ये घोषणा प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे छू लिया है और मुझे शुगर से, बीपी से परमेश्वर ने छुटकारा दिया, चंगाई दिया। अब लगभग 3-4 महीने से मैं कोई दवाई नहीं खा रहा हूँ, ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भी नहीं जा रहा हूँ और मुझे पूरा परमेश्वर ने चंगाई दिया है। चाय भी पी रहा हूँ, मिठाई भी खा रहा हूँ, अभी मुझे कोई कमजोरी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी रीति से परमेश्वर ने मुझे चंगाई दिया है। और दूसरी बात, आर्थिक रीति से परमेश्वर मेरे जीवन में, परिवार में द्वारों को खोला है। आर्थिक रीति से थोड़ा मैं स्ट्रगल हो रहा था और ये टीचिंग के जरिया और ये घोषणा प्रार्थना के जरिया परमेश्वर ने एक ब्रेक थ्रू मेरे जीवन में लेकर आया है। और परमेश्वर जो कार्य किया है उनके लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। हर महीने में मेरे दोनों बच्चों को महीने में 1-2 बार हॉस्पिटल में दिखाना पड़ता था और उनके पीछे भी बहुत पैसा खर्चा होता था। जब से घोषणा प्रार्थना मैं सीख रहा हूँ, वो टीचिंग को सीख रहा हूँ, मेरे बच्चों को भी परमेश्वर अच्छा हेल्थ दे रहा है। और अभी लगभग 4 महीने से अभी तक मेरे बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाने का ज़रूरत नहीं पड़ा। ऐसा परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य कर रहा है। और स्कूल ऑफ टेरेनस के लिए मेरे आत्मिक पिता अपोस्टल अरविंद इब्राहिम जी के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो परमेश्वर ने जो कार्य किया है, उन कार्य के लिए मैं परमेश्वर की स्तुति महिमा करता हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आमीन। आप सबको प्रेस द लॉर्ड। प्रेस द लॉर्ड। मेरा नाम पास्टर हनुक दीकुंडा है। मैं चंद्रपुर महाराष्ट्र से हूँ। मैं स्कूल ऑफ टेरेनस का स्टूडेंट हूँ। जो स्कूल ऑफ टेरेनस का फाउंडर अपोस्टल अरविंद इब्राहिम जी है, उनका नेतृत्व में चलता है। अपोस्टल अरविंद इब्राहिम जी मेरे आत्मिक पिता है। मैं उनके संगति के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, उनके टीचिंग के द्वारा और उनके मेंटरिंग के द्वारा
मैं बहुत आशीषित हुआ हूँ इन दिनों में स्कूल ऑफ टेरेंस में घोषणा प्रार्थनाओं का टीचिंग चल रहा है, जिसमें बहुत अद्भुत रीति से प्रैक्टिकल रीति से घोषणा प्रार्थना का टीचिंग चल रहा है। और वो टीचिंग के द्वारा, वो घोषणा प्रार्थना के द्वारा मैं बहुत आशीषित हुआ हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत सारे कार्य किया, उसमें से मैं दो बातों को एक गवाही के रूप में आपके सामने बांटना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि मेरे जीवन में शादी से पहले मुझे शुगर और बीपी था। अब ये 3 महीनों से ये टीचिंग चल रहा है और ये टीचिंग में हम कैसे आशीषित हो सकते, आगे बढ़ सकते, सफल हो सकते, बीमारी से हम कैसे छुटकारा हो सकते हैं, जो हमारा रुका हुआ जीवन कैसे आगे बढ़ सकता है, गरीबी से, शापों से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, उसके विषय में टीचिंग भी चल रहा है और घोषणा प्रार्थनाएं भी चल रहा है। जब ये मैं सीख रहा था, ये घोषणा प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे छू लिया है और मुझे शुगर से, बीपी से परमेश्वर ने छुटकारा दिया, चंगाई दिया। अब लगभग 3-4 महीने से मैं कोई दवाई नहीं खा रहा हूँ, ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भी नहीं जा रहा हूँ और मुझे पूरा परमेश्वर ने चंगाई दिया है। चाय भी पी रहा हूँ, मिठाई भी खा रहा हूँ, अभी मुझे कोई कमजोरी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी रीति से परमेश्वर ने मुझे चंगाई दिया है। और दूसरी बात, आर्थिक रीति से परमेश्वर मेरे जीवन में, परिवार में द्वारों को खोला है। आर्थिक रीति से थोड़ा मैं स्ट्रगल हो रहा था और ये टीचिंग के जरिया और ये घोषणा प्रार्थना के जरिया परमेश्वर ने एक ब्रेक थ्रू मेरे जीवन में लेकर आया है। और परमेश्वर जो कार्य किया है उनके लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। हर महीने में मेरे दोनों बच्चों को महीने में 1-2 बार हॉस्पिटल में दिखाना पड़ता था और उनके पीछे भी बहुत पैसा खर्चा होता था। जब से घोषणा प्रार्थना मैं सीख रहा हूँ, वो टीचिंग को सीख रहा हूँ, मेरे बच्चों को भी परमेश्वर अच्छा हेल्थ दे रहा है। और अभी लगभग 4 महीने से अभी तक मेरे बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाने का ज़रूरत नहीं पड़ा। ऐसा परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य कर रहा है। और स्कूल ऑफ टेरेंस के लिए मेरे आत्मिक पिता अपोस्टल अरविंद इब्राहिम जी के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो परमेश्वर ने जो कार्य किया है उन कार्य के लिए मैं परमेश्वर की स्तुति महिमा करता हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आमीन। अब सबको प्रेज़ द लॉर्ड।